आम आदमी पार्टी का नए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते ही ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली की जनता का की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण करना और संविधान की उल्लंघन करना। आतिशी ने जिस प्रकार से केजरीवाल जी की कुर्सी वहां पर रखी है अपनी कुर्सी के साथ, ये बहुत हास्यप्रद है। और ये सब केजरीवाल जी के कहने पर हो रहा है। ये उनके मन में जो एक इनसिक्योरिटी है कि मैं पद से हट गया, ये उस इनसिक्योरिटी के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है। केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही 8 महीने कोई सरकार नहीं थी जब वो जेल में थे, कुर्सी से चिपके हुए थे, और अब वो कुर्सी रखवा कर वहां इस तरह की नौटंकी की जा रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार चलाने में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लोगों की समस्या है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी पड़ी है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, ये पानी आ ही नहीं रहा, 50 लोग डूब कर मर गए, DTC की बसें सड़क से हट रही हैं, पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है, यमुना मैली की मैली है। तो वो तमाम चुनौतियां जो दिल्ली के सामने हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का ध्यान है। ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करूं।